इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, यानी कि यहां 100% टीकाकरण हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, दिहाड़ी मजदूरों सब पर खास ध्यान दिया है, जिसके चलते यह मुकाम हासिल हुआ है। आज के खास कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड 19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड 19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 68 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दी गई हैं और इसके अलावा 1,56,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोज राज्यों को भेजे जाने के लिए भी तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड 19 टीके की 4,37,00,000 से अधिक और अतिरिक्त बिना इस्तेमाल हुई खुराकें भी उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना फिलहाल बाकी है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है, यानी कि यहां जो टीकाकरण है वो 100% है। हिमाचल प्रदेश की इस बड़ी उपलब्धि पर पीएम मोदी ने क्या ट्वीट कर कहा वो भी आपको बताते हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देकर हिमाचल प्रदेश ने एक मानदंड स्थापित किया है। ऐसे ही कई लाभार्थी और राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद का सौभाग्य मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।